हाय, आज मैं रिव्यू करूंगी निविया बॉडी लोशन एलो हाइड्रेशन 48 आवर्स डीप मॉइस्चर हेल्दी स्किन। ये बॉडी लोशन लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब कि ये हल्का है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं है। तो आप इसे इस तरीके का वेदर, अगर दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं या ठंडी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पर दिल्ली जैसा टेम्परेचर होता है, स्किन ड्राई होती है लेकिन इतनी ड्राई भी नहीं होती है कि हमें थिक लोशन की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये 48 आवर तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, तो ये बिल्कुल भी मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नॉर्मल स्किन के लिए है और इसमें एलोवेरा और डीप मॉइस्चर सीरम है जो स्किन के अंदर तक जा करके उसको मॉइस्चराइज रखते हैं। इसका मैट फिनिश है, आपकी स्किन में ऑयल चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा लेकिन स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। बट द थिंग इज, मुझे इसको यूज़ करने के बाद जो फीलिंग आई कि स्किन ड्राई रहती है, अजीब सी रहती है, मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। स्किन का हाइड्रेशन बहुत अच्छी तरीके से पूरा नहीं होता है। यहाँ पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है, गिव योर स्किन फास्ट एब्जॉर्बिंग एंड रिफ्रेशिंग मॉइस्चराइजेशन। द निविया एलो हाइड्रेशन बॉडी लोशन इज इन्फ्यूज्ड विद निविया डीप मॉइस्चराइजिंग सीरम एंड एलोवेरा। इट एब्जॉर्ब्स इमीडिएटली एंड लीव्स योर स्किन सूद्ड, रिफ्रेश एंड प्लेजेंटली फ्रेग्रेंस्ड आफ्टर जस्ट वन एप्लीकेशन। फ्रेग्रेंस, हाँ फ्रेग्रेंस इसकी ठीक है, रिफ्रेशिंग है, लेकिन ये कि स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और बहुत देर तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, मैं इस पॉइंट से सहमत नहीं हूँ। ये जो 200 ml का सॉल्यूशन जब मैंने लिया था तब 275 rupees का था। इसकी शेल्फ लाइफ 2.5 साल अभी भी है और पहले भी थी। अब आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स में। इसमें है एक्वा, ग्लिसरिन, अल्कोहल डीनेचर्ड 4.8%। अल्कोहल डीनेचर्ड एक ड्राइंग एजेंट है, ऑयल को न्यूट्रलाइज करता है, स्किन को स्मूद एंड मैट टच देता है। अगर एक्सेस में इसको यूज़ किया जाए तो ये ड्राइनेस कर सकता है और आपके जो नेचुरल बैरियर होते हैं उसको डिस्टर्ब कर सकता है, इरिटेशन हो सकता है इससे। डाइकैप्रोलिल एथर ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को, स्किन की लिपिड लेयर को इम्प्रूव करता है लेकिन ऑयली नहीं होता है और स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ये जनरली सेफ है। ग्लिसरिल स्टीरेट ये स्किन कंडीशनिंग एजेंट होता है, एमोलियंट है, एमल्सिफायर है, प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करता है, जनरली ये सेफ है। रेयर कंडीशन में से रैशेज या इचिंग हो सकते हैं। आइसोप्रोपाइल पामिटेट एक एमोलिएंट है, स्किन को सूद और सॉफ्ट रखता है, जनरली सेफ है, स्किन को ड्राई कर सकता है अगर इसका प्रोलॉन्ग यूज किया जाए एक ज्यादा क्वांटिटी में। सिटियरिल अल्कोहल सेफ है, जनरली ये स्टेबलाइज करता है प्रोडक्ट की थिकनेस को बढ़ाता है और स्किन को सूद और हील करता है। रेयर केसेस में जहाँ स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वहाँ इसे रैश, इचिंग, स्वेलिंग, डिजीनेस और ट्रबल ब्रीदिंग हो सकता है। एलोवेरा लीफ के जूस का पाउडर है इसमें, दैट इज़ अ नेचुरल मॉइस्चराइजर, स्किन को सूद करता है, ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, रिंकल और ब्लेमिशेस को ख़त्म करने में हेल्पफुल है। डाइमेथिकॉन एक जेंटल इफेक्टिव मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, ड्राई स्किन को स्मूथ करता है, एक्जिमा और रैशेस को हील करता है, जनरली ये सेफ है। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं रेयर केसेस में रैशेज या स्वेलिंग। कार्बोमर एक सेफ इंग्रेडिएंट है अगर बैलेंस लेवल में यूज़ किया जाए। ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, यानी कि ये पोर्स को खुला रखता है, पोर्स को ब्लॉक नहीं होने देता, क्लॉक नहीं होने देता, टेक्सचर इम्प्रूव करता है और वाटर को रिटेन करने में हेल्पफुल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच लेवल को मेंटेन करता है। अगर इसे लो कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाए तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव है और इसकी अगर थोड़ी सी भी एक्सेस हो जाए तो ये हार्मफुल हो सकता है। सोडियम सिटेरियल सल्फेट इट इम्प्रूव्स टेक्सचर एंड स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होने में, पेनिट्रेट होने में मदद करता है। ये सेफ है, इसके जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। फिनॉक्सी इथेनॉल एक प्रेजर्वेटिव है, एंटीबैक्टीरियल है और ये सेफ है इन लो कंसंट्रेशन। इथाइल हेक्सिल ग्लिसरिन ये प्रेजर्वेटिव है, ह्यूमेक्टेंट है, स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ाता है, नॉन स्टिकी है, सेफ है। लाइनालूल परफ्यूम की तरह यूज होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एक्ने सोराइसिस रोजेशिया को हील करने में हेल्पफुल है। वैसे जनरली ये सेफ है, इन सम केसेस इट इज इरिटेटिंग। सिट्रोनेलॉल भी सेफ फ्रेग्रेंस है, इट इज एंटी फंगल। लाइमोनिन फ्रेग्रेंस है, एंटी ऑक्सीडेंट है, स्किन को सूद करता है, जनरली ये सेफ होता है। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं सेंसिटिविटी, इरिटेशन इन सेंसिटिव पीपल। अल्फा आइसोमिथाइल आयोनॉन एक फ्रेग्रेंस है, जनरली ये सेफ होता है लेकिन सेंसिटिव लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग। जेरिन ऑयल इज सेफ, ये फ्रेग्रेंस की तरह यूज होता है, एनवायरमेंटल डैमेज से स्किन को बचाता है, स्किन को सूद करता है,
स्ट्रेस को रिमूव करता है स्किन की। ये सेफ होता है लेकिन कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स देखने मिल सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक डर्मेटाइटिस, इरिटेशन। ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स। बॉटम लाइन इज दिस, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस बॉडी लोशन। बहुत ज्यादा गर्मियों में तो मुझे वैसे भी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। मुझे जरूरत पड़ती है अभी अक्टूबर का महीना शुरू, अक्टूबर नवंबर में मैं शुरू कर देती हूँ मॉइस्चराइजर यूज करना, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगी। मैं प्रेफर करूँगी किसी ऑयल एलेक्सर को या इससे बेटर लोशन, बॉडी लोशन को। इनफैक्ट मुझे VLCC के लोशन इससे ज़्यादा बेटर लगते हैं। निविया का ये वाला बॉडी लोशन तो डिस्कार्ड करूँगी। बहुत लोगों को ये सूट कर रहा होगा तो वो अपने एक्सपीरियंस यहाँ लिख सकते हैं ताकि और लोगों को इनसाइट मिले और वो अपना डिसीजन ले सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।